फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपके लिए आज स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ वाओ। सबसे पहला मैसेज आया है महादेव शिवा। जब यहाँ पे महादेव शिव जी का कार्ड आया है तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस वक्त थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपको और साथ में जब आप मेडिटेशन करें तो अपने या कोई एक ऐसी फ्रेग्रेंस आप यूज़ करें जो आपको हील करे। ठीक है, आप होता है ना कि कोई एक फ्रेग्रेंस होती है जिससे हमें हीलिंग मिलती है, जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें सुकून देती है। जब वो फ्रेग्रेंस हमारे माइंड बॉडी सोल में जाती है तो वो जब आप मेडिटेशन करें तो उस तरीके का फ्रेग्रेंस आप यूज़ करें। ठीक है, कोई इत्र यूज़ कर सकते हैं, कोई परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस यहाँ पे आप यूज़ करें जिससे आपका जो फोकस बढ़ेगा। ठीक है, आप हो सकता है आपका फोकस नहीं बन पा रहा हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हो ध्यान के लिए, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है। ठीक है, ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिए और साथ में यहाँ पे आपके पेशेंस की यहाँ पे एक टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आज मुझे आज इस कार्ड में देखिए पीछे नंदी जी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इस कार्ड में नंदी जी को देखा है, तो जो जब नंदी जी का ध्यान नंदी जी पर मेरा ध्यान गया है तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, आपने बहुत धैर्य बनाया हुआ है। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस बनाया हुआ है, आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ आप यहाँ पे पेशेंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो ज़रूर होगी। ठीक है, आप ये मत सोचिए, कोई नेगेटिव थॉट मत लेकर आए। आपके माइंड में क्या हो रहा है कि इस वक्त जब भी आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, पॉजिटिव होने की सोचते हैं, तो कोई ना कोई नेगेटिव थॉट यहाँ पे आपको फिर से घेर लेता है। ठीक है, तो वो एनर्जी आपको नहीं आने देनी है जो नेगेटिव थॉट्स की है। और साथ में यहाँ पे आपका थर्ड आई भी, अगेन यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हो सकते हैं। आप यहाँ पे एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर, ईश्वर से कनेक्शन पर, डिवाइन से कनेक्शन पर यहाँ पे आपको अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त। यहाँ पे आप अपने पर्सन से, काउंटर पार्ट से, आप जिनके लिए अगर देख रहे हैं यहाँ पे, उनसे इस वक्त आपको अपना ध्यान हटाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने की एनर्जी में आना है। जब आप यहाँ पे खुद को हील कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन आप तक ज़रूर आते हैं, लेकिन जब तक आप में कोई भी एक इशू, यहाँ पे एक भी इशू ऐसा है, को डिपेंडेंसी जो सबसे ज़्यादा, जो एक बहुत ही, जो कह सकते हैं खतरनाक वाली जो होती है ना शेडो साइड, वो को डिपेंडेंसी होती है कि आप यहाँ पे अपने पर्सन पर, अपने काउंटर पार्ट पर, उसकी एनर्जी पर आप इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि आप खुद की एनर्जी को, खुद की वर्थ को आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी वर्थ में आना है, अपनी पावर में आना है, अपनी शक्ति की एनर्जी में आना है, तभी यहाँ पे आप अपने शिवा से यूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यूनियन की एनर्जी है, यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप जिनके लिए देख रहे हैं वो आपके डेस्टाइंड काउंटर पार्ट है, डेस्टाइंड पर्सन है आपके, आप दोनों का कनेक्शन एक सोल टू सोल कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको इस वक्त अपने पर्सन से एक, जो एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट वाली एनर्जी होती है ना, एक चाहत होती है कि हमें चाहिए ही चाहिए, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इतना समय हो गया, ईश्वर सुनते नहीं हैं, कुछ नहीं सुनते हैं ना। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ऑब्स्टिकल का काम कर रही है। और उसके साथ में यहाँ पे
यहाँ पे वरुण जी का कार्ड आना, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है ना, इस वक्त आपकी एनर्जी इस वक्त मुझे डिस्टर्बिंग फील हो रही है, इमोशनल एनर्जी डिस्टर्बिंग फील हो रही है। यहाँ पे आप ईश्वर से आप ईश्वर से कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपके स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं कि आप जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, जो आप कर रहे हैं, आप फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो आपके दिल में बातें चल रही है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं पता है, लेकिन और वो भी नहीं चाहते हैं आपको इस परिस्थिति में डालना हमेशा के लिए। लेकिन आप अगर इस जो भी सिचुएशन में हैं इस वक्त, ठीक है, जो भी व्यूअर इस रीडिंग तक आए हैं, आप यहाँ पे कोई ना कोई बदलाव फेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे मुझे डिटैचमेंट वर्ड सुनाई दे रहा है, तो आपको इस वक्त है ना डिटैचमेंट की एनर्जी में आना है। आप बहुत ज़्यादा अपनी विश को लेकर के बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक उतावलापन होता है ना, वो एनर्जी आपको यहाँ पे जो है ना ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और साथ में कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपनी इच्छाओं में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो 3D की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं मटेरियल वर्ल्ड, वो यहीं पर रह जाना है, आपके काम आएगा सिर्फ आपके ईश्वर, आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपका डिवोशन। तो आपको इस वक्त अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कनेक्शन आपको स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए ईश्वर का, आपके जो भी इष्ट हैं उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, है ना, और वो यहाँ पे आपको आपके लाइफ में सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। साथ में यहाँ पे फॉरगिवनेस, यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस, जो एक मुझे कंटिन्यूसली जो चैनलिंग हो रही थी, वो फॉरगिवनेस यहाँ पे 2-3 दिन से हो रही थी। तो आपको जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, आपको फॉरगिवनेस फॉलो करनी है, ठीक है। आप हो सकता है आप किसी पर्सन को लेकर के यहाँ पे, ये लव कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि लव कनेक्शन ही हो, है ना, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे आपके मन में अगर किसी के लिए कोई खटास है, कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी आपके मन ऐसी कोई फीलिंग है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसके साथ भी गलत होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे उस एनर्जी से, उस फीलिंग से आपको बाहर निकलना है और उस इंसान को माफ़ कर देना है। माफ़ इसलिए नहीं करना है कि उसने गलत नहीं किया या आपने सही नहीं किया, माफ़ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी पीस यहाँ पे आपको मैटर करती है। आप यहाँ पे जब पीसफुल एनर्जी में आएंगे, तभी यहाँ पे आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आप यहाँ पे मेडिटेशन कर पाएंगे, और तभी आप यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस दे दी गई है, आपको ये प्लीज़ ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस वक्त, अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो वो भी मांगिए, ठीक है। आप फिजिकल फॉर्म में नहीं मांग सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको माफ़ नहीं करेगा, तो सोल लेवल पर माफ़ी मांगिए, उनकी सोल से माफ़ी मांगिए, वो ज़रूर वर्क करेगा, है ना। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में भी अपने तरीके से आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके बीच में जो एक खटास आई है, जो आपके कनेक्शन में जो एक खिंचाव सा आ चुका है, वो कनेक्शन यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है। कनेक्शन आगे बढ़ना ही है, लेकिन ये जो रुकावटें आ रही हैं वो इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ फॉरगिवनेस फॉलो करनी है आपको, माफ़ भी करना है और माफ़ी भी देनी है, ठीक है। ये आपको गाइडेंस है, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड पाओ, यहाँ पे देखिए हनुमान जी आपकी, आपको यहाँ पे अपनी भक्ति, आपको अपने डिवोशन पर यहाँ पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है इस वक्त। डिटैचमेंट फॉलो करना है, सरेंडर फॉलो करना है, सरेंडर फॉलो करते डिटैचमेंट फॉलो करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इच्छाओं पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है कि मुझे ये चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा, इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से मैं सभी गाइडेंस फॉलो कर रही हूँ, ईश्वर सुन नहीं रहे हैं ना। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको अपना कर्म करना है, क्योंकि जो जब होना है तब होगा ही होगा, जो जब जो डेस्टाइन है वो तब ही होना है। तो जब चीज़ें आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अपना वर्क करना है, अपना कर्म करना है, अपने
अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ईश्वर से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, कि आप सिर्फ एक अपनी विश पर, एक पर्सन पर ही कंप्लीटली डिपेंड है। अगर आप अभी भी डिपेंड हैं तो इस को डिपेंडेंसी को हील करना है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकाले। आप यहाँ पे 24 घंटे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, एक ही विश के बारे में, एक ही पर्सन के बारे में सोचेंगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है? आप यहाँ पे अपनी सोल ग्रोथ के लिए आए हैं, उस पर फोकस करना है आपको। जब आप खुद हील होते हैं, यहाँ पे आपका आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं, ठीक है? यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, आप डिवाइन पाथ पर हैं, आप सोल जर्नी पर हैं यहाँ पे, और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी पर भी हैं। तो आप यहाँ पे आप जिस जिस भी इंटेंशन से इस रीडिंग में आए हैं, तो आपकी भक्ति, ईश्वर से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना, ये मैटर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? और साथ में यूनियन की एनर्जी अगेन है। आपको यहाँ पे उतनी भक्ति, आपको अपनी भक्ति इतनी स्ट्रांग करनी है, आपको यहाँ पे उतना डिवोशन अपना स्ट्रांग कर रहे हैं कि ईश्वर आपको आपकी विश तक पहुँचा कर ही रहे, ठीक है? उनके पास कोई मार्ग, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहे, क्योंकि आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है कि आप यहाँ पे किस तरीके से अपने इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करते हैं। आप पुराने पैटर्न्स रिपीट करते हैं, आप ईश्वर को सरेंडर करते आगे बढ़ते हैं, या फिर से वही रोना धोना, या फिर आप सोल शॉक पीरियड में चले जाएंगे अगर आप इस तरीके से आप नेगेटिव वे में सोचेंगे, ठीक है? तो यही गाइडेंस है आपको। आप सोल शॉक पीरियड में जाना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस वक्त। आपकी एनर्जीज को डाउन करना, आपने अपने पर बहुत मेहनत की है, उस मेहनत को बचाए रखना है, ठीक है? उस पर आपको विश्वास रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। और इस वक्त आपको यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आप यहाँ पे हनुमान जी से उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मांगिए कि आपको जो भी स्ट्रेंथ, जिस भी सिचुएशन में जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जिस भी तरीके की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे आपको हनुमान जी यहाँ पे आपके लिए, आपको हर तरीके से यहाँ पे आपको सहायता करेंगे, आपको जो भी गाइडेंस, जो भी हेल्प की नीड है, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से, प्रार्थना करनी है अपने ईष्ट से, प्रार्थना करनी है, या आप जिन भी धर्म से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने रिलीजन में अपने भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, आप जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं, ठीक है? उनसे प्रार्थना कीजिए। आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड जी कहना चाहते हैं कि आपकी शक्ति आपके अंदर ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इल्यूजन में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अपनी अपने डिज़ायर में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आप ये भूल रहे हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप में डिवाइन शक्तियाँ हैं, डिवाइन की पावर आपके साथ है, ठीक है? यहाँ पे आप और आपको एक पीसफुल स्टेट में लाना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर सके, जो आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके? और उसके साथ में यहाँ पे इन कार्ड से भी एक मैसेज लेने का इंट्यूशन है, तो देखते हैं और क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, देखिए आपके स्पिरिट गाइड्स इस अगेन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस वक्त एक जॉयफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपका जो आपकी जो सोल है, जो आपकी इनर सोल है, वो हील होना चाहती है, वो यहाँ पे हैप्पीनेस चाहती है, ठीक है? आपको ये वो ऐसी एक स्टेट में आना चाहती है जहाँ पर वो अपने खुद से, जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएँ, ईश्वर से जुड़ पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपको यही गाइड करना चाहती है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ आपको ये बोलना चाहती है कि आपको इस वक्त वो काम करना है जो आपको हैप्पीनेस दे, भले ही वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, है ना? आपको कुछ भी जो अच्छा लगता है, जो आपके मन को शांति दे, वो काम आपको करना है। अगर आपको शांति से बैठना है तो वो भी कीजिए, लेकिन वो कीजिए, वही कीजिए जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको करने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है? नेचर से कनेक्ट हुई, गार्डनिंग कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। यहाँ पे अगर आप गार्डन में नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट आप अपने घर में पॉट्स में प्लांटेशन कर सकते हैं, या आपके घर में पौधे हैं, उनसे आप उनकी एनर्जी से जुड़िए। आप उसमें जो मिट्टी है उसको आप अपने हाथों से यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे मतलब आप उसकी एक उसे मतलब गार्डनिंग में जैसे करते हैं ना, खुदाई करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आप
उससे क्या होगा कि आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे, है ना। आप मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की आपकी जो वाइब्रेशंस लो हो रही हैं या हो सकती हैं, ठीक है। आप अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे अपने आपको इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी है। और आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग इस वक्त चल रही है, तो ये जो भी प्रोसेस चल रहा है उसे होने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी चीज़ में। अगर आपको सोल पर्पस दिया है तो सोल पर्पस कीजिए उसमें आपको बिल्कुल भी, अगर ईश्वर ने आपको सोल पर्पस दिया है तो आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, क्योंकि ईश्वर हर किसी को यहाँ पे सोल पर्पस नहीं दिया जाता है। जो चूजन वन होती हैं उन्हें ही सोल पर्पस यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स देते हैं। आपको दिया है तो उसे पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। और सोल पर्पस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आपको ईश्वर बोल के बताते हैं, सोल पर्पस यहाँ पे हर सोल का है। आप छोटे छोटे काम, गुड कर्मास क्रिएट कीजिए, पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, ज़रूरतमंदों के लिए कीजिए, वो एक सोल पर्पस ही है, ठीक है। गुड कर्मास क्रिएट करने की गाइडेंस यहाँ पे आपको है। साथ में दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी एंड मेक द राइट चॉइस। तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं अगेन कि आप बहुत ज़्यादा, देखिए कार्ड की जो कनेक्टिंग मैसेज ही आया है, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आप नेगेटिव नहीं सोचें बिल्कुल भी, है ना। सिचुएशन भले ही चाहे जैसे भी इस वक्त आपको दिख रही हो, लेकिन चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होंगी। लेकिन वो तभी हो पाएंगी जब आप यहाँ पे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। और जब आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, यहाँ पे आपका जो ये जो नेगेटिविटी आप प्रोवोक कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खुद के लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ पे सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सही डिसीजन तभी ले पाएंगे। और मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पे, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी मिररिंग हो रही है, आप जो यहाँ पे सोच रहे हैं वो मिररिंग वहाँ पर और हो रही है। आप यहाँ पे अगर नेगेटिव सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए, डाउट की एनर्जी में, तो वो वहाँ पे मिररिंग हो रही है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको इस एनर्जी से बाहर किस तरीके से निकलना है और कितना जल्दी निकलना है। जितना जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में, आपके कनेक्शन में, आपकी जर्नी में, या आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, आप यहाँ पर बहुत उतनी ही जल्दी आप जो आप चाहते हैं वो उस डायरेक्शन में आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ और बहुत ही प्यारे मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके बहुत ही प्यारे कमेंट्स, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, और बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप मेरे सोल पर्पज़ में मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, मदर अर्थ को पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे आप मेरे सोल पर्पज़ में इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।